वेलकम एवरीवन। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के इस लेक्चर में हम रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में जानेंगे। इस लेक्चर में मेनली हम चार इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान देंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू रेसिप्रोकल स्पेस, जिसमें हम जानेंगे कि क्यों हमें रेसिप्रोकल स्पेस की ज़रूरत है किसी लैटिस को एक्सप्लेन करने के लिए। सेकेंड, रेसिप्रोकल लैटिस वैक्टर, जिसमें हम अलग अलग डायरेक्ट लैटिस वैक्टर्स को रेसिप्रोकल लैटिस वैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड, हम अलग अलग लैटिस स्ट्रक्चर जैसे सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लैटिस की स्टडी रेसिप्रोकल स्पेस में करेंगे और एट द एंड हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इस लेक्चर के नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनके नोट्स उन लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेसिप्रोकल स्पेस की। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में किसी लैटिस या क्रिस्टल की स्टडी के लिए दो फ्रेमवर्क डिफाइन किए गए हैं, रियल स्पेस और रेसिप्रोकल स्पेस। अभी तक के लेक्चर्स में हमने जितने भी लैटिसेस और क्रिस्टल्स की स्टडी की वो सभी रियल स्पेस में थे। इस लेक्चर में हम उन्हीं लैटिसेस और क्रिस्टल्स की स्टडी रेसिप्रोकल स्पेस में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये दोनों ही फ्रेमवर्क, रियल स्पेस और रेसिप्रोकल स्पेस, एक दूसरे से अलग कैसे हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले रियल स्पेस की बात करते हैं। एक रियल स्पेस, जिसे डायरेक्ट स्पेस भी कहते हैं, इस स्पेस में किसी भी वेक्टर की जो डायमेंशन होती है, जो नॉर्मली हम किसी क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए वेक्टर काम में लेते हैं, उसकी डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर रियल स्पेस में लेंथ की डायमेंशन होती है। लेकिन अगर रेसिप्रोकल स्पेस की बात करें तो रेसिप्रोकल स्पेस में ऐसा नहीं है। रेसिप्रोकल स्पेस, जिसे के स्पेस भी कहते हैं, इस स्पेस में उसी वेक्टर की डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन रियल स्पेस में लेंथ की डायमेंशन है, उसी वेक्टर की डायमेंशन रेसिप्रोकल स्पेस में 1/लेंथ की होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रियल स्पेस में वेक्टर की डायमेंशन अगर लेंथ की डायमेंशन है तो रेसिप्रोकल स्पेस में उसी वेक्टर की डायमेंशन लेंथ के रेसिप्रोकल होती है, इसलिए इसे रेसिप्रोकल स्पेस कहते हैं। अब सवाल ये है कि हमें एक इस तरह के स्पेस की ज़रूरत क्यों पड़ी जो रियल स्पेस के रेसिप्रोकल है। हम जब ऑलरेडी सभी लैटिसेस और क्रिस्टल की स्टडी रेसिप्रोकल स्पेस में कर चुके हैं तो फिर हमें एक नए तरह के फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्यों है। इसे समझने के लिए हमें प्रीवियस लेक्चर्स में जाना होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात की थी। ब्रेक्स एक्सरे डिफ्रैक्शन में हमने यह पढ़ा है कि जब एक्सरे किसी लैटिस प्लेन पर इंसिडेंट होती है तो एक्सरे के लैटिस के एटम्स के साथ इंट्रैक्शन की वजह से डिफ्रैक्शन पैटर्न बनते हैं। ब्रेक्स एक्सरे डिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि जब कोई एक्सरे किसी लैटिस प्लेन पर इंसिडेंट होती है तो एक्सरे के लैटिस के एटम्स के साथ इंट्रैक्शन की वजह से एक्सरे रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये रिफ्लेक्ट होने वाली एक्सरेज आपस में इंटरफेरेंस कर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देती हैं। यहाँ एक बात ध्यान दें तो अगर हम लैटिस की बात करें तो लैटिस के लिए दो वेक्टर डिफाइन किए गए हैं। पहला है दो एटम्स के बीच का सेपरेशन, जिसे लैटिस पैरामीटर भी कहते हैं और ए से डिफाइन किया गया है, और इसकी लेंथ को डायमेंशन एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट मींस इस लैटिस पैरामीटर की जो डायमेंशन होती है वो लेंथ की डायमेंशन होती है। बात करें दो कंसेक्यूटिव प्लेन के बीच के सेपरेशन की, जिसे इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं, इसकी डायमेंशन भी लेंथ की डायमेंशन होती है। दैट मींस ये पूरा का पूरा लैटिस रियल स्पेस के लिए डिफाइन किया गया है, जिसमें वेक्टर की डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन है। लेकिन बात करें एक्सरेज की, तो जो एक्सरे इंसिडेंट हो रही है इसके लिए जो वेक्टर डिफाइन किया गया है वो है के वेक्टर, दैट मींस वेव वेक्टर, और एक वेव वेक्टर के इक्वल होती है 2π/λ के, जहां लैम्डा इस एक्सरे की वेवलेंथ है।
हम जानते हैं कि वेवलेंथ की डायमेंशन भी लेंथ की डायमेंशन होती है। दैट मीन्स जो वेव वेक्टर के है इसकी खुद की डायमेंशन 1/लेंथ की डायमेंशन, दैट मीन्स लेंथ के रेसिप्रोकल है। तो यू कैन सी कि जो एक्सरे इंसिडेंट हो रही है उसकी डायमेंशन तो रेसिप्रोकल स्पेस में वेक्टर की डायमेंशन के इक्विवेलेंट है, लेकिन जिस लैटिस पर ये इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी डायमेंशन रियल स्पेस के डायमेंशन के इक्विवेलेंट है। और यही मेन प्रॉब्लम है। यहां पर हम दो अलग अलग स्पेस के डायमेंशन का आपस में इंट्रैक्शन देख रहे हैं, जिससे मिलने वाले रिजल्ट उतने सही नहीं होते या जो रिजल्ट हमें मिलते हैं वो उतने यूजफुल नहीं होते। ऐसे में सजेशन दिया गया कि क्यों ना दोनों को एक ही स्पेस में कन्वर्ट कर दिया जाए। ऐसे में इंसिडेंट होने वाले एक्सरे के डायमेंशन को सेम रखते हुए पूरे लैटिस के स्पेस को ही कन्वर्ट कर दिया गया, इसके फ्रेमवर्क को ही बदल दिया गया। जहां इस वक्त लैटिस रियल स्पेस में है इसे कन्वर्ट करके रेसिप्रोकल स्पेस में लाया गया ताकि दोनों सेम 1/लेंथ के डायमेंशन में आ जाए। इसीलिए हमें रेसिप्रोकल स्पेस की जरूरत है। इसका एक फायदा और भी है कि जैसे जैसे हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे और अपकमिंग लेक्चर्स पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि किसी लैटिस की स्टडी रियल स्पेस के कंपैरिजन में रेसिप्रोकल स्पेस में करना काफ़ी कन्वीनियंट है। साथ ही रेसिप्रोकल स्पेस में किसी लैटिस की स्टडी के दौरान जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो काफ़ी यूजफुल होती है कंपैरिजन टू रियल स्पेस के। इसीलिए इस लेक्चर में और अपकमिंग सभी लेक्चर्स में हम किसी लैटिस का रिप्रेजेंटेशन रियल स्पेस में ही करें, रेसिप्रोकल स्पेस में ही करेंगे। रेसिप्रोकल स्पेस को के स्पेस भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि के जो कि वेव वेक्टर के एनालॉगी है, इसकी खुद की डायमेंशन 1/लेंथ की डायमेंशन है जो कि रेसिप्रोकल स्पेस को डिफाइन करता है, इसीलिए इसे के स्पेस भी कहते हैं। ऑल राइट, अब बात करते हैं कि किसी रियल लैटिस वेक्टर्स को किसी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। इस कन्वर्जन को समझने के लिए हम एक बहुत ही मोस्ट जनरल लैटिस काम में ले रहे हैं, ट्राइक्लिनिक सेल। ट्राइक्लिनिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके तीनों एक्सेस अनइक्वल और तीनों ही एंगल अनइक्वल होते हैं। ट्राइक्लिनिक सेल को कंसिडर करने की वजह यह है कि यह इकलौता ऐसा सेल है जिसके एक्सेस और एंगल्स के बीच किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये किसी भी वैल्यू के हो सकते हैं। यहाँ हमने एक ट्राइक्लिनिक सेल को एक्स वाई जी एक्सेस से बने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर रखा है। इस ट्राइक्लिनिक सेल के तीन प्रिमिटिव वेक्टर्स A1, A2, A3 डिफाइन किए गए हैं। एक बात का ध्यान रखें कि ट्राइक्लिनिक सेल एक प्रिमिटिव सेल भी है जिसके ये तीन प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्राइक्लिनिक सेल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं। वॉल्यूम ऑफ दिस सेल, जनरल वे में चलें तो किसी भी सेल का वॉल्यूम या इस तरह के क्यूबॉइड का वॉल्यूम सिंपली इसके बेस के एरिया को सेल की हाइट से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इस ट्राइक्लिनिक सेल का जो वॉल्यूम होगा वो इसके एरिया का, बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस टाइम्स हाइट होगी। ये इस ट्राइक्लिनिक सेल का बेस है इसे इसके हाइट से मल्टीप्लाई करने पर हमें इस पूरे ट्राइक्लिनिक सेल का वॉल्यूम मिल जाएगा। बट यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने जो ट्राइक्लिनिक सेल लिया है यह एक प्रिमिटिव सेल है, और अगर किसी प्रिमिटिव सेल के प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हमें पता हो तो उस सेल का वॉल्यूम सिंपली मोड ऑफ A1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर क्रॉस A3 वेक्टर से दिया जाता है। बात करें बेस के एरिया की तो इसका बेस A1 और A2 वेक्टर से मिलकर बना हुआ है, तो इस बेस का एरिया सिंपली A1 और A2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ये हो गया A1 वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर। अब बात करते हैं इस सेल के हाइट की। सेल की अगर हाइट की बात करें तो इसका A3 वेक्टर, जो A3 वेक्टर है वो इस सेल की हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन चूंकि सेल ट्राइक्लिनिक है तो ये किसी भी एक्सेस पर हो सकते हैं, इसलिए हम A3 वेक्टर का G एक्सेस पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं। मान लेते हैं ये D है
तो ये जो ओ डी लेंथ होगी यही स्ट्राइक्लिनिक सेल के हाइट को रिप्रेजेंट करेगी। तो स्ट्राइक्लिनिक सेल का जो हाइट है वो ओ डी है। बट एक बात का ध्यान रखें, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि दो कंजर्केटिव प्लेन के बीच का जो सेपरेशन होता है उसे इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं, और इस सेल के अपर फेस और बॉटम फेस के बीच का सेपरेशन जो होगा वो हाइट होगी, जिसे इंटरप्लेनर स्पेसिंग के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर इसके बॉटम टॉप फेस को और बॉटम फेस को आपस में मिलाएं तो ये जो लेंथ होगी ये इसके हाइट को रिप्रेजेंट करेगी, साथ ही साथ इसे डी एच के एल से भी लिखा जा सकता है, जहां डी इन दोनों प्लेन के बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग है और एच के एल इन दोनों ही प्लेन के मिलर इंडिसेस हैं। तो अगर हम ओ डी को इस डी एच के एल से रिप्लेस कर दें तो ए वेक्टर डॉट ए टू क्रॉस ए थ्री वैक्टर इक्वल्स टू ए वन वैक्टर क्रॉस ए टू वैक्टर टाइम्स डी एच के एल वैक्टर मिलेगा। ये भी एक वैक्टर ही है, चूंकि इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वैक्टर होती है, तो डी एच के एल होगी। इस पूरे रिलेशन को रीअरेंज कर लेते हैं तो डी एच के एल, चाहे तो हम इसे मोड में लिख सकते हैं, मोड में लिख लेते हैं, तो मोड ऑफ डी एच के एल इक्वल होगा मोड ए वन वैक्टर डॉट ए टू वैक्टर क्रॉस ए थ्री वैक्टर के अपॉन ए वन वैक्टर क्रॉस ए टू वैक्टर। इसे रेसिप्रोकल कर लें, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो वन अपॉन मोड डी एच के एल इक्वल है मोड ए वन वैक्टर क्रॉस ए टू वैक्टर अपॉन मोड ए वन डॉट ए टू क्रॉस ए थ्री के। ठीक है, ऑल राइट, इस इक्वेशन पर आते हैं। यह इक्वेशन ए वन क्रॉस ए टू अपॉन ए वन डॉट ए टू क्रॉस ए थ्री, इसी के इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर टर्म है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है, और वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन बात करें ए वन क्रॉस ए टू की तो यह एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी एक डायरेक्शन होती है। इसकी डायरेक्शन सिंपली राइट हैंड रूल से ए वन क्रॉस ए टू से कैलकुलेट की जा सकती है। तो ए वन क्रॉस ए टू से इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो अपवर्ड डायरेक्शन आएगी, दैट मीन्स ये पूरी की पूरी क्वांटिटी अपवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट मीन्स वन अपॉन डी एच के एल जो वैक्टर देगा उसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। एक और बात कि डी एच के एल इंटरप्लेनर स्पेसिंग है जिसकी डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन होती है, लेकिन वन अपॉन डी की डायमेंशन वन अपॉन लेंथ की डायमेंशन होगी, जो कि रेसिप्रोकल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस वन अपॉन डी एच के एल को सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सिग्मा एच के एल, जो कि एक रेसिप्रोकल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा की डायमेंशन वही है जो रेसिप्रोकल स्पेस में किसी वेक्टर की डायमेंशन होती है वन बाई लेंथ की। तो इस तरह से सिग्मा एच के एल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कहलाता है। इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन सिंपली ए वन क्रॉस ए टू से आएगी, जो कि अपवर डायरेक्शन में है। अपवर डायरेक्शन में है दैट मीन्स जेड एक्सेस के अलोंग है, या यूं कहें कि ए थ्री एक्सेस के अलोंग है। तो अगर हम रियल स्पेस में लैटिस के वेक्टर को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि रेसिप्रोकल स्पेस में इसी वेक्टर को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और चूंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड जी एक्सेस की डायरेक्शन में है तो इसे हम बी थ्री से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह वेक्टर इक्वल होगा बी थ्री वैक्टर दैट इज इक्वल्स टू ए वन क्रॉस ए टू अपॉन ए वन वैक्टर डॉट ए टू वैक्टर क्रॉस ए थ्री वैक्टर के, जिसकी डायरेक्शन जी एक्सिस के अलोंग है। सिमिलर वे में हम बी टू वैक्टर और बी थ्री वैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। बी टू और बी थ्री वैक्टर को हम इसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए लिखें। यहाँ आप देखें तो बी थ्री ए वन और ए टू, यहाँ पर थ्री वन टू, ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं। तो अगर हम
बी टू वैक्टर लिखें तो ये इक्वल होगा, यहाँ टू ये हो जाएगा ए थ्री क्रॉस ए वन अपॉन मोड ए वन वैक्टर डॉट ए टू वैक्टर क्रॉस ए थ्री वैक्टर के। सिमिलरली बी वन वैक्टर इक्वल होगा, यहाँ वन है तो टू थ्री अपॉन ए वन वैक्टर डॉट ए टू वैक्टर क्रॉस ए थ्री वैक्टर। ये इस ट्राइक्लिनिक सेल के तीन रेसिप्रोकल लैटिस वैक्टर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू ए वन ए टू ए थ्री प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वैक्टर्स के। ऑल राइट, तो हमने एक ट्राइक्लिनिक सेल के तीनों रेसिप्रोकल लैटिस वैक्टर बी वन बी टू और बी थ्री फाइंड आउट किए हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि ये तीनों रेसिप्रोकल लैटिस वैक्टर रियल लैटिस वैक्टर के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं। इसके लिए हम किसी भी एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का रियल लैटिस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे। तो सबसे पहले B3 रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A1 रियल लैटिस वेक्टर के साथ देखते हैं। B3 रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर G एक्सिस के अलोंग है, जैसा कि अभी हमने देखा किसकी डायरेक्शन G एक्सिस के अलोंग है, लेकिन A1 रियल वेक्टर X एक्सिस के अलोंग है। दैट मीन्स ये दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। इसी तरह से बी थ्री वैक्टर डॉट ए टू वैक्टर भी जीरो होगा, क्योंकि जहां बी थ्री वैक्टर जी एक्सेस के अलॉन्ग है वहीं ए टू वैक्टर वाई एक्सेस के अलॉन्ग है, और ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो होगा। बात करें बी थ्री वैक्टर डॉट ए थ्री वैक्टर की, तो बी थ्री वैक्टर तो जी एक्सेस के अलॉन्ग है, लेकिन A3 वेक्टर G एक्सिस से किसी एंगल पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो ट्राइक्लिनिक सेल लिया है ये एक्सिस के अलॉन्ग हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसा कि हमने पहले भी कहा, इस सेल के एंगल और एक्सिस के बीच किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, ये किसी भी एंगल और किसी भी वैल्यू के हो सकते हैं। फिलहाल इस इमेज में A3 एक्सिस G एक्सिस से किसी एंगल पर है, तो इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम इन्हें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख लेते हैं। मोड ऑफ B3 वेक्टर और डॉट ऑफ A3, दैट मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ A3। ऑलराइट, बात करें B3 वेक्टर के मोड की, तो अभी पिछले डेरिवेशन में हमने देखा कि B3 वेक्टर जो है वो 1 अपॉन DHKL के इक्वल है, जहां DHKL इंटरप्लेनर स्पेसिंग है टॉप और बॉटम फेस के। तो मोड है, इसका भी मोड ले लेते हैं, टाइम्स प्रोजेक्शन ऑफ ए थ्री वैक्टर। ए थ्री वैक्टर का जी एक्सेस पे प्रोजेक्शन ओ डी के इक्वल होगा, जो कि इक्वलेंट है इस इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी एच के एल के। तो इसे डी एच के एल भी लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें बी थ्री और ए थ्री वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट वन मिल जाएगा। इन जनरल अगर इसे लिखे तो किसी भी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बी आई वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसी रियल लैटिस वेक्टर ए जे वैक्टर के साथ इक्वल होता है डेल ऑफ आई जे, जहाँ डेल क्रॉनिकल डेल्टा है जिसकी वैल्यू जीरो या वन हो सकती है। जीरो तब व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, एंड वन व्हेन आई इक्वल्स टू जे। ऑलराइट, इस तरह से हमने देखा कि एक ट्राइक्लिनिक सेल के जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हैं वो इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं। ये एक्चुअली सिर्फ ट्राइक्लिनिक सेल के नहीं, किसी भी तरह के सेल पर एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि इसे हमने ट्राइक्लिनिक जो कि सबसे मोस्ट कॉमन सेल है उससे फाइंड आउट किया है, तो ये सभी तरह के सेल पर एप्लीकेबल होगा। साथ ही किसी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का रियल लैटिस वेक्टर के साथ क्या रिलेशन है ये भी चेक किया। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस को के स्पेस भी कहते हैं, और के स्पेस कहने की वजह ये है क्योंकि के जो कि वेव वेक्टर को डिफाइन करता है उसी वजह से इसे के स्पेस नाम दिया गया है।
लेकिन के स्पेस की एक खास बात यह है कि जो वेव वेक्टर के है ये 2π बाई लैम्डा होती है। लैम्डा की डायमेंशन तो लेंथ की डायमेंशन है, जहां से के की डायमेंशन रेसिप्रोकल स्पेस के इक्वलेंट है, लेकिन ये 2π की मल्टीपल टर्म इसमें एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस होती है। यही वजह है कि रेसिप्रोकल स्पेस को जब हम के स्पेस में लिखते हैं तो सभी वैल्यूज को 2π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इसी रिलेशंस को हम के स्पेस में लिखें तो b1 वेक्टर जो है वो इक्वल होगा 2π a2 क्रॉस a3 टाइम्स, ये पूरी टर्म a1 डॉट a2 क्रॉस a3 वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करिए तो हम इसे v से लिख देते हैं, p2 वेक्टर 2π a3 क्रॉस a1 अपॉन v, और b3 वेक्टर 2π a1 क्रॉस a2 अपॉन v। इसके अलावा bi वेक्टर डॉट aj वेक्टर इक्वल्स टू, ये भी 2π से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2π डेल आई जे। तो जब भी रेसिप्रोकल स्पेस को के स्पेस के फॉर्म में लिखा जाता है तो सभी इंडिविजुअल रिलेशंस 2π से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऐसा करने से इन वेक्टर्स पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक 2π की टर्म मल्टीपल में आएगी। बट नॉर्मल कन्वेंशन है और बुक्स में भी हमेशा ही जब हम रेसिप्रोकल स्पेस की बात करते हैं तो रिलेशंस को 2π के मल्टीपल में ही लिखा जाता है। इसलिए अब जब भी हम इन रिलेशंस को काम में लेंगे तो हमेशा 2π के मल्टीपल में ही लिखे हुए काम में लेंगे, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इस तरह से रेसिप्रोकल स्पेस में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, और रेसिप्रोकल स्पेस वेक्टर का रियल स्पेस वेक्टर के साथ जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन से दी जाती है। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें रियल लैटिस वेक्टर्स गिवन है तो इन तीन रिलेशंस की हेल्प से हम तीनों रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन रिवर्स हो, हमें रियल लैटिस वेक्टर की जगह अगर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर गिवन हो और हमें रियल लैटिस वेक्टर अगर फाइंड आउट करने हो तो भी वो इजिली किया जा सकता है, जस्ट सिमिलर टू दीज इक्वेशंस। अगर हम a1 वेक्टर की बात करें तो a1 वेक्टर इक्वल होगा 2π b2 क्रॉस b3 अपॉन वॉल्यूम v के, a2 वेक्टर 2π टाइम्स b3 क्रॉस b1 अपॉन v, और a3 वेक्टर इक्वल होगा 2π टाइम्स b1 वेक्टर क्रॉस b2 अपॉन वॉल्यूम v के। इस तरह से इन छह रिलेशंस की हेल्प से हम किसी भी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को रियल लैटिस वेक्टर में और रियल लैटिस वेक्टर को रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ एक बात नोट करने की है कि जो तीनों रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फाइंड आउट करने के जो हमारे पास रिलेशन आए हैं ये तभी एप्लीकेबल हो सकते हैं जब क्वेश्चन में हमें तीनों ही रियल लैटिस वेक्टर गिवन हो, क्योंकि किसी भी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए आपको वॉल्यूम की जरूरत होगी, और वॉल्यूम तभी फाइंड आउट की जा सकती है जब तीनों रियल लैटिस वेक्टर गिवन हो, क्योंकि वॉल्यूम खुद वी जो है वो इक्वल होता है a1 डॉट a2 क्रॉस a3 के। तो अगर तीनों में से कोई एक भी रियल लैटिस वेक्टर गिवन नहीं है तो ये तीनों रिलेशन किसी काम के नहीं। तो 3D लैटिस की जब भी हम बात करेंगे और हमें एक 3D लैटिस को क्यों रियल स्पेस से रेसिप्रोकल स्पेस में कन्वर्ट करना हो तब तो ये रिलेशन वैलिड होंगे। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास एक 2D लैटिस हो? एक 2D लैटिस में जाहिर सी बात है दो ही प्रिमिटिव वैक्टर्स या रियल वैक्टर्स डिफाइन किए गए होंगे। ऐसे में उन दो वैक्टर्स को या उन 2D लैटिस को रेसिप्रोकल स्पेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या उन दो रियल लैटिस वैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वेल, जब भी हमें किसी 2-डायमेंशनल लैटिस के लिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो इसका सिंपल सा तरीका यह है कि जो थर्ड वेक्टर गिवन नहीं है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं। इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं। द प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वैक्टर्स ऑफ अ 2-डायमेंशनल लैटिस आर a1 एंड a2। डिटरमाइन द प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वैक्टर्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल लैटिस।
हमें इस टू डायमेंशनल लैटिस जिसके दो प्रिमिटिव वेक्टर्स a1 और a2 गिवन है, इसके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर डिफाइन करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हमें इन तीनों रिलेशंस को काम में लेना है तो उसके लिए हमें थर्ड वेक्टर a3 वेक्टर की जरूरत होगी जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इस तरह के सिनारियो में हम थर्ड वेक्टर को अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट कि जो थर्ड वेक्टर है a3 वेक्टर वो के कैप है। यहाँ ध्यान रखें पहली बात कि हमने थर्ड वेक्टर को यूनिट वेक्टर लिया है क्योंकि मैग्नीट्यूड का हमें कुछ पता नहीं, हम कोई भी मैग्नीट्यूड ले उससे बेहतर है कि हम एक यूनिट वेक्टर ले जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। और दूसरा कि a1 और a2 वेक्टर ऑलरेडी गिवन है तो जो a3 वेक्टर है वो हमने के कैप डायरेक्शन में लिया है जो कि उसका कन्वेंशनल डायरेक्शन होगा। तो a3 वेक्टर जो हमने के कैप मान लिया है। तो अब हमारे पास तीन वेक्टर हो गए a1, a2, a3। इन तीनों वेक्टर की हेल्प से सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम होगा मोड a1 डॉट a2 क्रॉस a3 वेक्टर के, ये हो जाएगा a1 वेक्टर दैट इज 2 1 0, a2 वेक्टर 0 2 0 और a3 वेक्टर जो है वो सिर्फ के कैप है 0 0 1। इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर इस मैट्रिक्स की वैल्यू 4 आती है। दैट मीन्स इन तीन रियल लैटिस वेक्टर से मिलकर बनने वाले जो लैटिस होगी उसका जो वॉल्यूम है वो 4 के इक्वल आता है। नाउ इन वैल्यूज को इन रिलेशंस में सब्स्टिट्यूट कर हम इस लैटिस के रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं b1 वेक्टर की। तो b1 वेक्टर इक्वल है 2π टाइम्स a2 क्रॉस a3 अपॉन v के, ये हो गया 2π a2 टू जे कैप क्रॉस a3 के कैप है एंड डिवाइडेड बाय 4। इसकी वैल्यू आपको पाई आई कैप मिल जाएगी। इसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिक्स है। हम यहाँ सिर्फ बेसिक प्रोसीजर देखना चाह रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। दूसरा b2 वेक्टर 2π टाइम्स a3 क्रॉस a1 अपॉन v, ये हो गया 2π a3 की वैल्यू k कैप क्रॉस a1 2i कैप प्लस j कैप है अपॉन 4। और इसे सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिलेगी पाई बाय 2 माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप। ध्यान दें हम b3 वेक्टर फाइंड आउट नहीं करेंगे, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में जो लैटिस गिवन है वो टू डायमेंशनल लैटिस है जिसके दो ही रियल वेक्टर गिवन थे तो कॉरेस्पॉन्डिंग दो ही रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होंगे b1 और b2। b3 नहीं होगा क्योंकि a3 जो हमने वो अज्यूम किया था सिर्फ इसलिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो b1 और b2 इन दो रियल लैटिस वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। अब कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। गेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था द रियल स्पेस प्रिमिटिव वेक्टर्स आर a1 एंड a2, द रेसिप्रोकल स्पेस यूनिट वेक्टर्स b1 एंड b2 फॉर दिस लैटिस आर रिस्पेक्टिवली। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इन a1 और a2 रियल लैटिस वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग b1 और b2 रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फाइंड आउट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें दो ही रियल लैटिस वेक्टर गिवन है, दैट मीन्स ये एक टू डायमेंशनल लैटिस के रियल वेक्टर्स हैं और हमें उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि अगर दो ही लैटिस वेक्टर्स डिफाइन किए गए हैं तो हमें थर्ड वेक्टर जो है वो अज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि जो थर्ड वेक्टर a3 वेक्टर है वो के कैप है, ठीक है। तो सबसे पहला काम वॉल्यूम फाइंड आउट करने का। वॉल्यूम दैट मीन्स a वेक्टर डॉट a2 क्रॉस a3 वेक्टर, a1 वेक्टर दैट इज a 0 0, a2 वेक्टर है 1 √3 0 और a3 वेक्टर है 1।
इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस लैटिस का जो वॉल्यूम है वो अंडर रूट 3/2a² मिलता है। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद इन तीनों वेक्टर और वॉल्यूम की वैल्यू रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो b1 वेक्टर इक्वल होगा जो कि 2πa² × a³ अपॉन वॉल्यूम से दिया जाता है, दैट इज 2πa² वेक्टर, दैट मीन्स a/2 i³ + √3j³ × a³ वेक्टर k³ अपॉन वॉल्यूम √3/2a². इसे आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद b1 वेक्टर आपको 2πa i³ − j³ √3 मिलता है। इसी तरह से b2 वेक्टर 2π × a³ × a₁ अपॉन v होगा, दैट इज 2π × a³ यानी कि k³ × a₁ जो कि a i³ है अपॉन √3/2a² और इसे सॉल्व करने पर b2 वेक्टर आपको 2π/a√3j³ मिलता है। सिंपल मैथमेटिक्स है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो a1 और a2 रियल वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर b1 और b2 मिले और ऑप्शन से कंपेयर करें तो 2π/a i³ − j√3 ऑप्शन 1 में है और 2π/a√3j³ भी ऑप्शन 1 में है। सो ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसंबर 2019 CSIR नेट एग्जाम में पूछा हुआ। द बेसिस वेक्टर ऑफ अ टू डायमेंशनल ब्रावियस लैटिस आर e1 एंड e2। अ चॉइस ऑफ द बेसिस वेक्टर्स फॉर द रेसिप्रोकल लैटिस कैन बी। तो जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है ये 2D लैटिस है जिसके दो रियल लैटिस वेक्टर गिवन है और कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अगेन रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें थर्ड वेक्टर अज्यूम करना होगा। तो मान लेते हैं कि जो थर्ड वेक्टर है e3 ये इक्वल है k³ के। तो सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। लैटिस का वॉल्यूम e1 वेक्टर .e² × e³ से फाइंड आउट हो जाएगा जो कि इक्वल होगा e1 है 1/2 √3/2 0, e2 है 1/2 − √3/2 0 के और जो e3 वेक्टर है वो है 0 0 1। इसे सॉल्व करने पर आपको इस लैटिस का वॉल्यूम √3/2 मिलता है। अब इन वैल्यूज को यूज करके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर b1 फाइंड आउट करें तो b1 होगा 2π × e²× e³ के अपॉन वॉल्यूम, ये हो गया 2π। e2 जो कि है 1/2 i³ − √3/2j² × k³ और वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया है √3/2, तो ये इक्वल होगा 4π/√3 √3/2 i³ + 1/2 j³ के। इसी तरह b2 वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ये 2π e³ × e₁ अपॉन v, दैट इज 2π e³ की वैल्यू k³ हमने मानी है क्रॉस e₁, e₁ है 1/2 i³ + √3/2 j³ डिवाइडेड बाय √3/2 के। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4π/√3 √3/2 i³ − 1/2
जे क्या पाता है। सिंपल मैथमेटिक्स है, आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, आपको दोनों रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बी वन और बी टू मिल जाएंगे। और ऑप्शन से कंपेयर करें तो 4π√3√3/2i कैप + 1/2j कैप ये रहा, और 4π√3√3/2i कैप - 1/2j कैप भी ऑप्शन टू में है। सो ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर है। ये एक और क्वेश्चन है जो दिसंबर 2016 CSI और NET एग्जाम में पूछा गया था। कंसिडर अ हेक्सागोनल लैटिस विद द बेसिस वेक्टर्स एज शोन इन द फिगर बिलो। इफ द लैटिस स्पेसिंग इज a = 1 द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स आर। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये फिगर गिवन है जिसमें a1 और a2 वेक्टर को डिफाइन किया गया है। इन वेक्टर्स की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ इतना कहा गया है कि जो लैटिस स्पेसिंग है वो a है और वो भी इक्वल टू 1 है, हमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। आप में से जिन्होंने हमारा थर्ड लेक्चर ब्राविस लैटिस अटेंड किया है वो जानते हैं कि ये जो गिवन स्ट्रक्चर है ये एक हनीकॉम लैटिस का स्ट्रक्चर है जो कि ग्रेफीन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। और ग्रेफीन का जो स्ट्रक्चर है हनीकॉम लैटिस स्ट्रक्चर वो एक नॉन ब्राविस स्ट्रक्चर है। इस लैटिस को नॉन ब्राविस लैटिस से ब्राविस लैटिस बनाने के लिए यह कंसीडर किया जाता है कि इसमें मौजूद कार्बन के जो एटम्स हैं वो सिंगल टाइप के ना होते हुए डबल टाइप के एटम्स होंगे। कहने का मतलब है कि यह जो हनीकॉम लैटिस है ये ग्रेफीन के लिए डिफाइन किया जाता है, और ग्रेफीन प्योर कार्बन का स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स उसमें मौजूद सभी एटम्स कार्बन के ही होंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि इस लैटिस में जब हम कार्बन एटम को फिट करते हैं तो यह एक नॉन ब्राविस लैटिस बनाता है। इसके बारे में फुल डिटेल में हम ऑलरेडी उस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वह लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर देख लें। तो इसे नॉन ब्राविस से ब्राविस लैटिस बनाने के लिए हम एक कार्बन की जगह दो अलग अलग टाइप के कार्बन काम में लेते हैं। ऐसे में जो A1 और A2 वेक्टर आते हैं वो इसके प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स कहलाते हैं, और इन दोनों ही वेक्टर की वैल्यू ऑलरेडी हम उस लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं। एक हनीकॉम लैटिस के A1 और A2 प्रिमिटिव वेक्टर्स जो हैं वो दिए जाते हैं, A1 इक्वल होता है √3/2a√3i कैप + j कैप के, और A2 वेक्टर इक्वल होता है √3/2a√3i कैप - j कैप के। ठीक है, तो ये दोनों ही वेक्टर की वैल्यू हम ऑलरेडी उस लेक्चर में फाइंड आउट कर चुके हैं जिसे हम यहाँ डायरेक्ट यूज में लेंगे। और यही वजह है कि क्वेश्चन में ये दोनों ही वेक्टर गिवन नहीं है, क्योंकि एक हनीकॉम लैटिस के लिए ये दोनों वेक्टर फिक्स होते हैं। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें एक और वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो मान लेते हैं वो थर्ड वेक्टर A3 है जो कि एक यूनिट वेक्टर है के कैप के। क्वेश्चन में साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि a जो है वो 1 के इक्वल है, तो बाद में हम a की वैल्यू को 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो अगेन सबसे पहला काम वॉल्यूम फाइंड आउट करना। वॉल्यूम की बात करें तो ये इक्वल होगा a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर क्रॉस a3 वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3/2 a 3/√3/2a0 a2 वेक्टर हो गया 3/2a - √3/2a0 और ये हो गया 0 0 1। इस वॉल्यूम के मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो हमें इस वॉल्यूम लैटिस का जो वॉल्यूम है वो मिलता है 3√3/2a² और अगर हम a को 1 से रिप्लेस कर दें तो इसका जो वॉल्यूम है वो 3√3/2 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि a जो है वो 1 है। ओके, अब इन वैल्यूज को रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो b1 वेक्टर जो कि 2π a2 क्रॉस a3 अपॉन v होता है, ये इक्वल हो जाएगा 2π a2, हम a को ऑलरेडी 1 के इक्वल रख रहे हैं तो ये इक्वल हो जाएगा √3/2√3i कैप - j कैप टाइम्स k कैप अपॉन
वॉल्यूम है 3√3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू आती है 4π/3 i कैप प्लस 0 j कैप। क्वेश्चन पर ध्यान दें तो हमें क्वेश्चन में वेक्टर नहीं पूछे गए हैं बल्कि उन वेक्टर्स के कंपोनेंट पूछे गए हैं। तो यहाँ इसे इस वेक्टर में से कंपोनेंट को सेपरेट करें तो i कैप डायरेक्शन में कंपोनेंट है 4π/3 और j कैप डायरेक्शन में कंपोनेंट है 0। सिमिलरली b2 वेक्टर होगा 2π a3 × a1 अपॉन bk, दैट इज 2π k कैप क्रॉस a1 जो कि है √3/2√3 i कैप प्लस j कैप अपॉन 3√3/2। ये इक्वल होगा −2π/3 i कैप एंड प्लस 2π/√3 j कैप के। इसे भी कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख दें तो ये हो गया −2π/3 और 2π/√3। कंपेयर करें तो 4π/3 और 0 फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में है और −2π/3 और 2π/√3 फर्स्ट ऑप्शन में है। तो जो ऑप्शन 1 है वह इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की। इसे समझने के लिए सबसे पहले एक 1D लैटिस लेते हैं। ओके, ये एक 1D लैटिस है और ये लैटिस पॉइंट्स हैं। और मान लेते हैं कि इन लैटिस पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो a है। तो इसका जो प्रिमिटिव वेक्टर होगा ए वेक्टर वो इक्वल होगा ए, अगर इसको एक्स डायरेक्शन माने तो ये ए आई कैप के इक्वल होगा। यह रिप्रेजेंटेशन रियल स्पेस में है, यह रियल लैटिस है। लेकिन अगर इसी का रिप्रेजेंटेशन हम रेसिप्रोकल स्पेस में करें ठीक है, ये बी वेक्टर इस ए वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को डिफाइन करेगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर रियल लैटिस वेक्टर का रेसिप्रोकल होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बी वेक्टर जो है वो इक्वल होगा 2π/a और डायरेक्शन सेम ए वेक्टर के अलॉन्ग ही, दैट मीन्स ए आई कैप के। एक और बात कि जहां रियल स्पेस में दो लैटिस पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन ए था उसे रेसिप्रोकल स्पेस में कन्वर्ट करने पर अब इन दोनों लैटिस पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन 2π/a हो गया है। इस तरह से एक रियल लैटिस वेक्टर को रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑलराइट, हो सकता है कि 1D स्पेस में 1D लैटिस के लिए इसे विजुलाइज कर पाना या दोनों के बीच में कनेक्शन समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा हो, इसलिए इसे हम 2D में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो एक 2D लैटिस ले लेते हैं। ओके, तो ये एक 2D लैटिस है जिसके लैटिस पॉइंट्स के बीच की जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है वो ए है लेकिन वर्टिकल स्पेसिंग जो है वो सी है। आप खुद क्लियरली देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली लैटिस पॉइंट्स एक दूसरे से दूर दूर फैले हुए हैं लेकिन वर्टिकली एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं। सबसे पहले इस लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर्स की बात करते हैं। इसके प्रिमिटिव वेक्टर एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग ए वन वैक्टर होगा जो कि सिंपली इस डिस्टेंस यानी कि ए और एक्स के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो ए आई कैप। इसी तरह ये वैक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो दैट इज ए टू वैक्टर जो कि ये डिस्टेंस यानी कि सी और जे कैप के अलॉन्ग इक्वल होगा। तो इस तरह से इस 2D लैटिस के रियल लैटिस वेक्टर a1 और a2 हमने डिफाइन किए। अब हमें इसे रेसिप्रोकल स्पेस में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसे रेसिप्रोकल स्पेस में कन्वर्ट करेंगे
यह इस रियल लैटिस का कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस है। यहाँ पर अगर हम इसके रेसिप्रोकल वेक्टर की बात करें तो ए वन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेसिप्रोकल वेक्टर होगा वो बी वन होगा और दैट इज टू पाई बाई ए आई कैप, और जो बी टू वैक्टर होगा जो के वाई की डायरेक्शन में आएगा ये इक्वल होगा टू पाई बाई बी टू पाई बाई सी जे कैप के। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान दें तो ए और सी जो कि लैटिस स्पेसिंग है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ए वर्टिकल स्पेसिंग सी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जिसकी वजह से रियल स्पेस में लैटिस पॉइंट्स हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से दूर दूर फैले हुए हैं लेकिन वर्टिकली एक दूसरे के क्लोज हैं। लेकिन जब हम इसे रेसिप्रोकल स्पेस में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल स्पेस में कन्वर्ट करने पर चूंकि ए ग्रेटर देन सी है इसलिए रेसिप्रोकल लेने पर बी वन लेस देन बी टू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ए ग्रेटर है सी से तो अब बी वन ग्रेटर है बी वन लेस देन है बी टू से, और ऐसा होने की वजह से रेसिप्रोकल स्पेस में लैटिस पॉइंट्स के बीच की जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है वो कम हो गई लेकिन वर्टिकल स्पेसिंग इंक्रीज हो गई है। तो इस तरह से एक रियल लैटिस को रेसिप्रोकल लैटिस में कन्वर्ट करने पर इसके जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जहाँ इसमें हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ज़्यादा है तो इसमें वर्टिकल स्पेसिंग ज़्यादा है। एक 3D लैटिस की बात करें तो एक 3D लैटिस के A1, A2 और A3 प्रिमिटिव वेक्टर डिफाइन किए गए हैं। अगर इस लैटिस को हम रेसिप्रोकल स्पेस में कन्वर्ट करते हैं तो A1 वेक्टर के अलोंग इसका रेसिप्रोकल वेक्टर B1 होगा, A2 वेक्टर के अलोंग B2 वेक्टर होगा और A3 वेक्टर के अलोंग B3 रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा। इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी वो डिपेंड करता है कि A1, A2 और A3 की वैल्यूज़ क्या गिवन है या लैटिस किस तरह का है। तो इस तरह से एक रियल लैटिस वेक्टर को रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ एक बात इंटरेस्टिंग ये है वो है ट्रांसलेशनल वेक्टर। एक रियल स्पेस में ट्रांसलेशनल वेक्टर टी को डिफाइन किया जाता है एन ए वेक्टर प्लस एम ए टू वेक्टर प्लस एल ए थ्री वेक्टर से, जहां ए वन ए टू और ए थ्री तीनों इसके रियल प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं। और n, m, l इंटीजर्स होते हैं। एक ट्रांसलेशनल वेक्टर का यूज इसलिए किया जाता है ताकि एक लैटिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे लैटिस पॉइंट के पोजीशन को कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर सकें। तो यही चीज़ रेसिप्रोकल स्पेस में भी होनी चाहिए कि हम किसी एक लैटिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे लैटिस पॉइंट के पोजिशन या लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकें। बट जहाँ रियल स्पेस में प्रिमिटिव वेक्टर्स A1, A2, A3 हैं लेकिन रेसिप्रोकल स्पेस में तो अब प्रिमिटिव वेक्टर्स B1, B2, B3 हैं, तो इसके लिए एक अलग ट्रांसलेशनल वेक्टर डिफाइन किया जाता है जिसे G वेक्टर कहते हैं, और ये इक्वल होता है N प्राइम B1 वेक्टर M प्राइम B2 वेक्टर प्लस L प्राइम B3 वेक्टर के, जहाँ B1 B2 और B3 इसके रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं। जबकि n प्राइम m प्राइम और l प्राइम इंटीजर्स हैं। ओके, तो इस तरह से एक रियल स्पेस में ट्रांसलेशनल वेक्टर को जहाँ t से डिफाइन किया जाता है तो वहीं सिमिलर वे में रेसिप्रोकल स्पेस में ट्रांसलेशनल वेक्टर को g से डिफाइन किया जाता है। अब बात करते हैं अलग अलग तरह के लैटिसेस के रेसिप्रोकल स्पेस में रिप्रेजेंटेशन की। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक लैटिस।
एक सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करें तो एक सिंपल क्यूबिक लैटिस में सभी लैटिस पॉइंट्स लैटिस के कॉर्नर्स पर होते हैं। इसमें जितने भी लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो सभी इन लैटिस के कॉर्नर्स पर होते हैं और ये स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके प्रिमिटिव वेक्टर्स की बात करें तो इसके लिए प्रिमिटिव वेक्टर A1 वेक्टर, A2 वेक्टर और A3 वेक्टर डिफाइन किया जाता है। अगर क्यूबिक सेल के साइड की लेंथ A हो तो इसके प्रिमिटिव वेक्टर्स A1 वेक्टर, AiCap, A2 वेक्टर, AjCap और A3 वेक्टर, AkCap से दिया जाता है, जो कि ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। हमें इस सिंपल क्यूबिक लैटिस को रेसिप्रोकल स्पेस के लिए कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हमने अभी तक प्रोसीजर फॉलो किया है कि सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद रेसिप्रोकल स्पेस के लिए जो रिलेशंस हम काम में ले रहे थे उसकी हेल्प से इसे रेसिप्रोकल लैटिस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम दैट इज A1 डॉट A2 क्रॉस A3 ये इक्वल हो जाएगा A00A00A इक्वल होगा A3, जो कि इस सिंपल क्यूबिक सेल का वॉल्यूम है। रेसिप्रोकल वेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले B1 वेक्टर इक्वल होगा 2π टाइम्स A2 क्रॉस A3 के अपॉन वॉल्यूम V। तो ये हो गया 2π AjCap क्रॉस AkCap अपॉन A3, जो कि 2π बाई AiCap होगा। इसी तरह से B2 वेक्टर की बात करें तो 2π टाइम्स A3 क्रॉस A1 अपॉन V, दैट इज 2π टाइम्स AkCap क्रॉस AiCap अपॉन A3, जो कि 2π बाई AjCap होगा। इसी तरह से B3 वेक्टर दैट इज 2π टाइम्स A1 क्रॉस A2 अपॉन वॉल्यूम V, दैट इज 2π टाइम्स AiCap क्रॉस AjCap अपॉन A3, दैट इज 2π बाई AkCap। तो इस तरह से एक सिंपल क्यूबिक लैटिस को रियल स्पेस से रेसिप्रोकल स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ये होंगे। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जहाँ रियल स्पेस में सिंपल क्यूबिक के जो साइड की लेंथ है वो A की इक्वल आई है, दैट मीन्स लैटिस कांस्टेंट जो है वो A है, वहीं रेसिप्रोकल स्पेस में अब इसका लैटिस कांस्टेंट 2π बाई A के इक्वल है। इस 2π बाई A लैटिस कांस्टेंट से बनने वाले रेसिप्रोकल सिंपल क्यूबिक सेल का अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, चूँकि अब इसके साइड की लेंथ रेसिप्रोकल स्पेस में 2π बाई A होगी, तो रेसिप्रोकल स्पेस में इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल इन रेसिप्रोकल स्पेस दैट इज सिंपली साइड के क्यूब के इक्वल, दैट मीन्स 2π बाई A का होल क्यूब, जो कि 8π क्यूब अपॉन A3 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से एक सिंपल क्यूबिक लैटिस को रियल स्पेस से
रेसिप्रोकल स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लैटिस है बीसीसी लैटिस। एक बीसीसी लैटिस में अगर रियल स्पेस में रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं हम, एक बीसीसी लैटिस में जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो सेल के कॉर्नर्स के अलावा एक लैटिस पॉइंट सेल के बॉडी सेंटर पर भी होता है। तो सेल के कॉर्नर्स के अलावा एक लैटिस पॉइंट इसके बॉडी सेंटर पर भी होगा और यह लैटिस बीसीसी लैटिस कहलाता है। अगर इस बीसीसी लैटिस के साइड की लेंथ ए हो तो बीसीसी लैटिस के जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं ए वन वैक्टर दैट इज इक्वल्स टू a by 2 i cap minus j cap plus k cap अब बात करते हैं bcc लैटिस की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। यह एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है जिसमें लैटिस पॉइंट्स लैटिस के कॉर्नर्स के अलावा एक लैटिस पॉइंट बॉडी के सेंटर पर भी मौजूद है, जिस वजह से इसे बॉडी सेंटर्ड लैटिस कहते हैं। मान लेते हैं कि इस बीसीसी लैटिस के जो साइड की लेंथ है वो ए है। जब हमने बीसीसी लैटिस को पढ़ा था तब हमने देखा था कि यह एक नॉन प्रिमिटिव लैटिस है। इसे प्रिमिटिव लैटिस में कन्वर्ट करने पर इसके जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वैक्टर्स आते हैं वो ए वन वैक्टर इक्वल होता है a by 2 i cap plus j cap minus k cap के, a2 vector a by 2 minus i cap plus j cap plus k cap और a3 vector equal होता है a by 2 i cap minus j cap plus k cap के। हमें इस BCC lattice को real space से reciprocal space में convert करना है। तो सबसे पहला काम वॉल्यूम फाइंड आउट करने का, ए वन डॉट ए टू क्रॉस ए थ्री। ये इक्वल हो जाएगा ए बाई टू, ए बाई टू माइनस ए बाई टू माइनस ए बाई टू, ए बाई टू, ए बाई टू, ए बाई टू माइनस ए बाई टू और ए बाई टू, जो कि इक्वल होगा ए क्यूब अपॉन टू के। एक बीसीसी लैटिस के प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम उस क्यूबिक सेल के वॉल्यूम का हाफ होता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें इन वैल्यूज की हेल्प से इन तीनों वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो सेम प्रोसीजर को फॉलो करें तो बी वन वैक्टर इक्वल होगा 2 पाई टाइम्स ए टू क्रॉस ए थ्री अपॉन वी। ये हो गया 2 पाई ए बाई टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए बाई टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन ए क्यूब बाई 2k। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 पाई बाई ए आई कैप प्लस जे कैप मिलता है। इसी तरह से b2 वेक्टर दैट इज 2 पाई a3 क्रॉस a2 a3 क्रॉस a1 अपॉन v दैट इज 2 पाई a बाई 2 i cap minus j cap plus k cap cross a by 2 i cap plus j cap minus k cap upon a cube by 2।
इसे सॉल्व करने पर ये 2 पाई बाई ए जे कैप प्लस के कैप आएगा। सिमिलर वे में हम B3 वेक्टर फाइंड आउट करें तो 2 पाई A1 क्रॉस A2 अपॉन V दैट इज 2 पाई टाइम्स A/2 I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप क्रॉस A/2 माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप अपॉन A³/2 और ये इक्वल होगा 2 पाई बाई ए के कैप प्लस आई कैप के। ये इस बीसीसी लैटिस के रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हैं। जब हमने बीसीसी लैटिस और एफसीसी लैटिस के बारे में पढ़ा था तब आपने यह नोटिस किया होगा कि ये जो वेक्टर्स आए हैं 2 पाई बाई ए आई कैप प्लस जे कैप, 2 पाई बाई ए जे कैप प्लस के कैप और 2 पाई बाई ए के कैप प्लस आई कैप, ये सिमिलर है एफसीसी लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर्स के। एक एफसीसी लैटिस का जो प्रिमिटिव वेक्टर होता है वो A/2 आई कैप प्लस जे कैप, A/2 जे कैप प्लस के कैप और A/2 के कैप प्लस आई कैप होता है। ये एक एफसीसी लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर है और इन्हें कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि हमें जो ये प्रिमिटिव वेक्टर्स मिले हैं वो एफसीसी लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर्स के इक्विवेलेंट ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है तो इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू में, यहाँ A/2 है और यहाँ 2π/a है। तो हम कह सकते हैं कि एक बीसीसी रियल लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस एफसीसी टाइप का होता है। अब बात करते हैं एक एफसीसी लैटिस की। यह एक एफसीसी लैटिस दिया गया है जिसमें लैटिस पॉइंट्स लैटिस के कॉर्नर्स के अलावा सभी फेस के सेंटर पर भी मौजूद हैं, इसलिए इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस भी कहते हैं। मान लेते हैं इस लैटिस का जो लैटिस कांस्टेंट है यानी दो लैटिस के बीच का जो सेपरेशन है वो ए है। तो जब हमने एफसीसी लैटिस पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि एफसीसी लैटिस भी बीसीसी लैटिस की तरह नॉन प्रिमिटिव सेल है और इसे प्रिमिटिव सेल में कन्वर्ट करने पर इसके जो प्रिमिटिव वेक्टर्स आते हैं वो होते हैं A1 वेक्टर इक्वल्स टू A/2 आई कैप प्लस जे कैप, A2 वेक्टर A/2 जे कैप प्लस के कैप और A3 वेक्टर A/2 के कैप प्लस आई कैप। तो हमें इस एफसीसी रियल लैटिस को रेसिप्रोकल लैटिस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करें। वॉल्यूम हो जाएगा A1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर क्रॉस A3 वेक्टर दैट इज A/2 0 0 A/2 A/2 0 A/2। इसे सॉल्व करेंगे आप तो इसका वॉल्यूम A³/4 आता है। दैट मीन्स एफसीसी लैटिस के प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम इसके यूनिट सेल के वॉल्यूम का 1/4 होता है। अब इन वैल्यूज को काम में लेते हुए इसके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फाइंड आउट करें तो B1 वेक्टर इक्वल होगा 2 पाई टाइम्स A2 क्रॉस A3 अपॉन V के। वैल्यूज रख दें 2 पाई A2 A/2 जे कैप प्लस के कैप क्रॉस A/2 के कैप प्लस आई कैप और अपॉन A³/4। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 2 पाई बाई ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप आती है। इसी तरह से B2 वेक्टर 2 पाई A3 क्रॉस A1 अपॉन V होगा। इसे सॉल्व करें तो ये 2 पाई टाइम्स A/2 के कैप प्लस आई कैप क्रॉस A/2
आई कैप प्लस जे कैप अपॉन ए क्यूब बाई फोर आता है, जो कि टू पाई बाई ए माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के इक्वल होगा। सिमिलर वे में थर्ड रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बी थ्री वैक्टर फाइंड आउट करें, तो ये टू पाई टाइम्स ए वन क्रॉस ए टू अपॉन वी, जो कि टू पाई ए बाई टू आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए बाई टू जे कैप प्लस के कैप अपॉन ए क्यूब बाई फोर होगा। और इसे सॉल्व करने पर ये टू पाई बाई ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आता है। ये तीनों रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एक एफसीसी लैटिस के रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कहलाते हैं। अगेन कंपैरिजन करें तो अभी जब हम बीसीसी लैटिस पढ़ रहे थे तो उसके प्रिमिटिव वेक्टर, रियल स्पेस के प्रिमिटिव वेक्टर्स हमने ए बाई टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के फॉर्म में, ए बाई टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ए बाई टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के फॉर्म में लिखे थे। उनसे इसका कंपैरिजन करें तो ये क्लियर है कि एक एफसीसी लैटिस का जो एक रियल एफसीसी लैटिस जो है उसका रेसिप्रोकल स्पेस में लैटिस बीसीसी टाइप का होता है। जहां बीसीसी लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस एफसीसी टाइप का होता है, वही एक एफसीसी लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस बीसीसी टाइप का होता है। अब बात करते हैं HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लैटिस की। ये एक HCP लैटिस है जिसके दो हेक्सागन फेसेस हमने डिफाइन कर रखे हैं। इस लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर्स की बात करें तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका प्रिमिटिव वेक्टर A1 वेक्टर, वाई एक्सिस के अलोंग A2 वेक्टर, और जी एक्सिस के अलोंग A3 वेक्टर होता है। यहाँ इस बात से कंफ्यूज ना हो कि हमने एक्स वाई जी एक्सिस को इस तरह से क्यों ले रखा है, जबकि नॉर्मली एक्स वाई जी होता है। ये जस्ट फॉर कन्वीनियंस है। एक्चुअल में एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स और जी कोऑर्डिनेट जिस तरह से होते हैं आप उसे वैसे भी ले सकते हैं, तब भी वो सेम रिजल्ट ही देगा। हमने जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस इसे इस तरह से अरेंज किया है, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर्स, हम ध्यान रखें हम प्रिमिटिव वेक्टर की बात कर रहे हैं, इसके जो प्रिमिटिव वेक्टर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं। A1 वेक्टर ये सिंपली ए आई कैप होता है, जो कि इसके साइड की लेंथ होती है। तो इसका जो प्रिमिटिव वेक्टर A1 है वो ए आई कैप होता है, और इसके दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच की जो सेपरेशन होती है वो सी होती है। A1 वेक्टर ए आई कैप से दिया जाता है, A2 वेक्टर ए बाई टू आई कैप प्लस अंडर रूट 3 जे कैप से, और A3 वेक्टर जो कि जी कैप डायरेक्शन में है ये सिंपली सी के कैप होता है। ये तीनों वेक्टर किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं ये ऑलरेडी हम हमारे HCP लैटिस वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने वह लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो वहाँ से आप इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। हम उन वैल्यूज़ को यहाँ डायरेक्ट काम में ले रहे हैं। तो A1, A2, A3 एक HCP लैटिस के प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वैक्टर्स हैं। हमें इस लैटिस को रेसिप्रोकल स्पेस में कन्वर्ट करना है, तो सेम प्रोसीजर को फॉलो करें। पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम A1 वेक्टर डॉट A2 क्रॉस A3 ये हो गया A0 0, A/2 √3/2 A0 0 C। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू √3/2 A²C आती है। इन वैल्यूज को रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने पर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर B1 वेक्टर इक्वल होगा 2 पाई टाइम्स A2 क्रॉस A3 अपॉन वॉल्यूम V, जो कि इक्वल होगा 2 पाई
ए बाई टू आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप टाइम्स सी के कैप अपॉन अंडर रूट थ्री बाई टू ए स्क्वायर सी। और इसे सॉल्व करने पर आपको इसका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर 2 पाई बाई ए आई कैप माइनस 1 बाई अंडर रूट थ्री जे कैप मिलेगा। इसी तरह से बी टू रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर 2 पाई ए थ्री क्रॉस ए वन अपॉन वी दैट इज 2 पाई सी के कैप क्रॉस ए आई कैप अपॉन अंडर रूट थ्री बाई टू ए स्क्वायर सी, जो कि इक्वल होगा 2 पाई बाई ए 2 बाई अंडर रूट थ्री जे कैप के। थर्ड रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की बात करें, b3 वेक्टर 2 पाई ए वन क्रॉस ए टू अपॉन वी दैट इज 2 पाई ए वन वैक्टर ए आई कैप क्रॉस ए टू वैक्टर ए बाई टू आई कैप प्लस अंडर रूट थ्री जे कैप अपॉन रूट थ्री बाई टू ए स्क्वायर सी। तो ये हो गया 2 पाई बाई सी के कैप। ये तीनों रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एक एच सी पी लैटिस के रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हैं। ऑल राइट, तो हमने एक एच सी पी लैटिस जिसके एच सी पी लैटिस जिसके रियल वेक्टर्स ए वन ए टू ए थ्री हो के कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बी वन बी टू और बी थ्री फाइंड आउट किए हैं। पिछले दो लैटिसेस की स्टडी के दौरान हमने देखा कि यह जरूरी नहीं कि एक लैटिस रियल स्पेस में जिस टाइप का है रेसिप्रोकल स्पेस में भी उसी टाइप का हो। कहने का मतलब कि बी सी सी लैटिस रेसिप्रोकल स्पेस में एफ सी सी टाइप का था और एफ सी सी लैटिस रेसिप्रोकल स्पेस में बी सी सी टाइप का। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एच सी पी लैटिस जिसके रियल स्पेस में वेक्टर ए वन ए टू ए थ्री है, जब हम इसे रेसिप्रोकल स्पेस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या तब भी ये एच सी पी टाइप का ही होगा या किसी और तरह का। ये जानने के लिए हमें इसके तीनों वेक्टर को एनालाइज करना होगा। सबसे पहले इसके रियल वेक्टर्स पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अगर हम एच सी पी के दोनों रियल वेक्टर ए वन और ए टू का मैग्नीट्यूड लें तो दोनों ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम आते हैं ए के इक्वल, और थर्ड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ए थ्री वो सी के इक्वल आता है। इसके अलावा एच सी पी लैटिस में आप जानते हैं कि जो ए वन और ए टू वेक्टर है इन दोनों के बीच का एंगल जो है एंगल बिटवीन ए वन एंड ए टू ये 120 डिग्री होता है। ये एक रियल स्पेस के एच सी पी लैटिस की प्रॉपर्टी है। अब हम आते हैं इसके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स पे। सबसे पहले बी वन और बी टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वैक्टर दैट इज अंडर रूट टू पाई बाई ए स्क्वायर प्लस 2 पाई बाई ए स्क्वायर 1 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ये हो गया 2 पाई बाई ए अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई 3, और ये हो गया 2 पाई बाई ए दैट इज 3 4 पावर 1 बाई 2 दैट इज 2 पाई बाई ए 2 बाई अंडर रूट 3। ओके, सिमिलरली बी टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। तो मोड 2 पाई बाई ए
का होल स्क्वायर एंड 2 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो सिंपली 2 पाई बाय ए टाइम्स 2 बाय अंडर रूट 3 है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि एचसीपी लैटिस के रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर b1 और b2 के मैग्नीट्यूड भी सेम है। जो b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही b2 वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है। ये सिमिलर प्रॉपर्टी है इसके रियल लैटिस के। रियल लैटिस में भी a1 और a2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम थे और रेसिप्रोकल वेक्टर स्पेस में भी इसके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर b1 और b2 के मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। बात करें इसके थर्ड वेक्टर b3 की, तो b3 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सिंपली 2 पाई बाय सी होगा, जो कि b1 और b2 से अलग है। और यही चीज़ यहाँ भी हो रही है, a3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड a1 और a2 वेक्टर से डिफरेंट आता है। अब सवाल है कि a1 और a2 वेक्टर का जो एंगल है वो 120 डिग्री है, तो b1 और b2 वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? तो किसी भी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, अगर b1 और b2 की बात कर रहे हैं तो ये b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ b1 वेक्टर मोड ऑफ b2 वेक्टर से दिया जाता है। और जब आप इन दोनों वैल्यूज b1 और b2 वेक्टर की वैल्यूज को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको जो एंगल मिलेगा वो 120 डिग्री ही मिलेगा। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। इन वैल्यूज को रियल लैटिस वेक्टर से कंपेयर करें तो ये क्लियरली कह सकते हैं कि एक HCP लैटिस का रेसिप्रोकल स्पेस में भी वो HCP लैटिस ही बना रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड चेंज हो गए हैं, अदरवाइज अभी भी वो एक HCP लैटिस ही है। ऑल राइट, तो हमने देखा कि एक HCP लैटिस रियल स्पेस में भी HCP टाइप का होता है और रेसिप्रोकल स्पेस में भी HCP टाइप का ही होता है, लेकिन एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम रियल लैटिस और रेसिप्रोकल लैटिस के बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं। एंगल बिटवीन b1 वेक्टर एंड a1 वेक्टर। ओके, तो किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा दैट इज कॉस इनवर्स b1 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ b1 वेक्टर मोड ऑफ a1 वेक्टर से दिया जाता है। ये कैलकुलेशन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसे खुद से कैलकुलेट कर लें और सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 आती है, जो कि पाई बाय 6 है। दैट मीन्स HCP लैटिस को अगर हम रेसिप्रोकल स्पेस में कन्वर्ट करते हैं तो इसका b1 वेक्टर a1 वेक्टर से पाई बाय 6 डिग्री एंगल पर पाई बाय 6 एंगल से रोटेट हो जाता है। सिमिलरली अगर हम इसके b2 वेक्टर और a2 वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करें तो ये थीटा इक्वल होगा कॉस इनवर्स b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर अपॉन मोड b2 वेक्टर a2 वेक्टर के। और जब आप इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, तो ये सेम पाई बाय 6 के इक्वल ही आता है। दैट मींस जब हम एक HCP लैटिस को रियल स्पेस से रेसिप्रोकल स्पेस में कन्वर्ट करते हैं तो इसके जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर b1 और b2 है वो कॉरेस्पॉन्डिंग रियल लैटिस वेक्टर से पाई बाय 6 एंगल रोटेशन पर होते हैं। ये तो बात हुई b1 और b2 वेक्टर की, जो कि एक हेक्सागन प्लेन में होते हैं। वर्टिकल थर्ड एक्सिस का क्या? तो एंगल बिटवीन b3 वेक्टर एंड a3 वेक्टर, तो दैट इज थीटा कॉस इनवर्स b3 वेक्टर डॉट a3 वेक्टर अपॉन मोड b3 वेक्टर मोड ऑफ a3 वेक्टर, दैट इज कॉस इनवर्स 1 जो कि 0 डिग्री। दैट मीन्स
एचसीपी लैटिस के को रेसिप्रोकल स्पेस में कन्वर्ट करने पर भी इसका जो थर्ड वेक्टर है जो कि वर्टिकल वेक्टर होता है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो इसके रियल लैटिस वेक्टर की डायरेक्शन में ही है, बिल्कुल पैरेलल है दोनों, किसी तरह का कोई रोटेशन नहीं है। लेकिन जो b1 और b2 रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो कॉरेस्पॉन्डिंग रियल लैटिस वेक्टर से पाई बाई 6 एंगल से रोटेटेड होते हैं। दैट मीन्स कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जब एचसीपी लैटिस को रियल स्पेस से रेसिप्रोकल स्पेस में कन्वर्ट किया जाता है तो पूरा लैटिस जो है वो जी एक्सेस के अलॉन्ग, चूंकि इसमें 0 डिग्री का रोटेशन आया है तो जी एक्सेस के अबाउट पाई बाई 6 डिग्री रोटेट हो जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एवरी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बी इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस एच के एल। इसे समझने के लिए वापस से हम ट्राइक्लिनिक सेल पर आते हैं। ट्राइक्लिनिक सेल में हमने देखा कि जब इस ट्राइक्लिनिक सेल के लिए हमने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बी डिफाइन किया जब हमने इस ट्राइक्लिनिक सेल के लिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर B3 डिफाइन किया था तो ये B3 रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इस ट्राइक्लिनिक सेल के बेस के परपेंडिकुलर है। ऑलराइट, इस B3 रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस ट्राइक्लिनिक सेल के बेस के परपेंडिकुलर है और इस बेस के मिलर इंडिसेस हमने HKL कंसीडर किए थे और यही फर्स्ट प्रॉपर्टी है। एवरी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बी इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस एच के एल। आप कोई भी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्यों ना ड्रॉ करें वो हमेशा किसी ना किसी एच के एल प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, द इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी एच के एल इन द रियल क्रिस्टल लैटिस इज इक्वल टू 1/B। ट्राइक्लिनिक सेल में ही हमने देखा कि इस लैटिस के अपर फेस और बॉटम फेस के बीच का जो सेपरेशन है जिसे हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं DHKL, और इस 1/DHKL को हमने बी वेक्टर नाम दिया था। तो यहां से अगर हम DHKL लिखें तो ये सिंपली 1/B होगा जो कि इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। द इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी एच के एल इन द रियल क्रिस्टल लैटिस इज इक्वल टू 1/B। तो ये किसी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स के दो प्रॉपर्टीज हैं। पहले कि कोई भी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो होगा वो क्रिस्टल लैटिस एच के एल के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा और दूसरा कि जो बी वेक्टर है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी एच के एल के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस इज अ डायरेक्ट लैटिस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर हम किसी रेसिप्रोकल लैटिस का ही रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमें वापस से डायरेक्ट या रियल लैटिस मिल जाएगा। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की फोर्थ प्रॉपर्टी है द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रियल लैटिस। अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर से बने रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम फाइंड आउट करें तो ये वॉल्यूम उसी रियल लैटिस के वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिकली अगर इसे कहें तो अगर रेसिप्रोकल लैटिस के रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर b1, b2, b3 हो तो इस रेसिप्रोकल लैटिस का जो वॉल्यूम है वो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर क्रॉस b3 वेक्टर होगा। ओके, जहां b1, b2, b3 इसके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/A1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर क्रॉस a3 वेक्टर के, जहां a1, a2, a3 इसके रियल लैटिस वेक्टर हैं। तो रेसिप्रोकल लैटिस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके रियल लैटिस के वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे कुछ लैटिसेस के लिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की। सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए हमने अभी पढ़ा था कि इसके जो रियल लैटिस वेक्टर हैं
ये होते हैं ए वन वैक्टर इक्वल्स टू ए आई कैप, ए टू वैक्टर ए जे कैप और ए थ्री वैक्टर ए के कैप। ओके, तो इसका वॉल्यूम ए वन वैक्टर डॉट ए टू वैक्टर क्रॉस ए थ्री वैक्टर इक्वल आता है ए क्यूब के। बात करें इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस वैक्टर की, तो ए वन के कॉरस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस वैक्टर हमें मिला था बी वन वैक्टर टू पाई बाई ए आई कैप, बी टू टू पाई बाई ए जे कैप और बी थ्री टू पाई बाई ए के कैप। ओके, और यहां से इस रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम फाइंड आउट करें तो बी वन वैक्टर डॉट बी टू वैक्टर क्रॉस बी थ्री वैक्टर इक्वल होगा 2 पाई बाई ए होल क्यूब के। इसे रीअरेंज कर दें तो 2 पाई होल क्यूब अपॉन ए क्यूब। चेक करें ये जो ए क्यूब टर्म आई है डिनोमिनेटर में वो इसके रियल लैटिस का वॉल्यूम है, और यही चीज स्टेटमेंट में भी लिखी गई है कि रेसिप्रोकल लैटिस का जो वॉल्यूम होगा वो उसके रियल लैटिस के वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके रियल लैटिस के, वॉल्यूम ऑफ रियल लैटिस। सेकेंड लैटिस बीसीसी, बीसीसी के रियल प्रिमिटिव वेक्टर्स, रियल लैटिस वेक्टर होते हैं ए वन वैक्टर दैट इज ए बाई टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ए टू वैक्टर ए बाई टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और ए थ्री वैक्टर इक्वल्स टू ए बाई टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ से इसके रियल लैटिस का वॉल्यूम फाइंड आउट करें तो वॉल्यूम मोड ऑफ ए वन वैक्टर डॉट ए टू वैक्टर क्रॉस ए थ्री वैक्टर ये इक्वल आएगा ए क्यूब बाई टू के, जैसा कि हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस वैक्टर हमने फाइंड आउट किए थे बीसीसी लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एफसीसी लैटिस के वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। तो ए वन जो कि इसका रियल लैटिस वेक्टर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बी वन वैक्टर जो है वो इक्वल आता है टू पाई बाई ए आई कैप प्लस जे कैप, बी टू वैक्टर टू पाई बाई ए जे कैप प्लस के कैप और बी थ्री वैक्टर टू पाई बाई ए के कैप प्लस आई कैप के। यहाँ से हम इसका भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं तो बी वन वैक्टर डॉट बी टू वैक्टर क्रॉस बी थ्री वैक्टर ये इक्वल होगा टू टाइम्स टू पाई बाई ए होल क्यूब के। इसे हम टू टाइम्स ऑफ टू पाई होल क्यूब, इसे टू को यहाँ ना लिख के इस ए क्यूब के साथ लिख देते हैं। एज यू कैन सी कि ए क्यूब बाई टू इस बी सी सी के रियल लैटिस का वॉल्यूम है, जो कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है कि बी सी सी के रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के रेसिप्रोकल लैटिस का जो वॉल्यूम है उसके रियल लैटिस के वॉल्यूम का के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली एफसीसी लैटिस की बात करें तो एफसीसी लैटिस के रियल लैटिस वेक्टर ए वन वैक्टर इक्वल होता है ए बाई टू आई कैप प्लस जे कैप, ए टू वैक्टर ए बाई टू जे कैप प्लस के कैप और ए थ्री वैक्टर
ए बाई टू के कैप प्लस आई कैप के, और यहाँ से इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें तो ए वन डॉट ए टू क्रॉस ए थ्री इक्वल होगा ए क्यूब बाई फोर के। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ए वन के कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हमने फाइंड आउट किया था, और ये बी वन इक्वल आता है टू पाई बाई ए। ध्यान दें एफ सी सी रियल लैटिस है तो इसका रेसिप्रोकल लैटिस बी सी सी टाइप का होगा, ये आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बी टू वैक्टर टू पाई बाई ए माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी थ्री वैक्टर टू पाई बाई ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ से इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं, बी वन डॉट बी टू क्रॉस बी थ्री। जब आप ये वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा फोर टाइम्स ऑफ टू पाई बाई ए होल क्यूब। इसे रीअरेंज कर लें तो टू पाई क्यूब ए क्यूब बाई फोर, और ए क्यूब बाई फोर इसके रियल लैटिस का वॉल्यूम है। दैट मीन्स एफ सी सी के रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम इसके रियल लैटिस के वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑल राइट, ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, ट्रांसलेशनल वेक्टर इन रेसिप्रोकल स्पेस। रेसिप्रोकल स्पेस और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के बारे में पढ़ते हुए हमने ये देखा कि किस तरह से किसी लैटिस को रियल स्पेस से लैटिस रेसिप्रोकल स्पेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, साथ ही रियल स्पेस में किसी लैटिस को डिफाइन करते वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिफाइन किया जाता है जिसे कहते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर। ट्रांसलेशनल वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे लैटिस पॉइंट के लोकेशन को डिफाइन करने के लिए दिया गया है। रियल स्पेस में एक ट्रांसलेशनल वेक्टर को टी से डिफाइन करते हैं जो कि इक्वल होता है एन ए वेक्टर ए वन वैक्टर प्लस एम ए टू वैक्टर प्लस एल ए थ्री वैक्टर के, जहां ए वन ए टू ए थ्री उस लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर्स होते हैं, वेयर ए वन ए टू एंड ए थ्री आर प्रिमिटिव वेक्टर्स, जबकि एम एन एम और एल इंटीजर्स। लेकिन जब हम इस लैटिस को रेसिप्रोकल स्पेस में कन्वर्ट करते हैं तो वहां भी एक लैटिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे लैटिस पॉइंट को डिफाइन करने की जरूरत होती है, इसलिए रेसिप्रोकल स्पेस के लिए भी ट्रांसलेशनल वेक्टर को डिफाइन किया जाता है। रेसिप्रोकल स्पेस में इस ट्रांसलेशनल वेक्टर को जी से डिफाइन करते हैं जो इक्वल होता है एन प्राइम बी वन वैक्टर एम प्राइम बी टू वैक्टर प्लस एल प्राइम बी थ्री वैक्टर के, जहां बी वन बी टू बी थ्री इस रेसिप्रोकल स्पेस में लैटिस के रेसिप्रोकल लैटिस वैक्टर हैं, वेयर बी वन बी टू एंड बी थ्री आर रेसिप्रोकल वैक्टर, जबकि एन प्राइम एम प्राइम और एल प्राइम इंटीजर्स हैं। ओके, तो ये तो अलग अलग स्पेस में ट्रांसलेशनल वेक्टर हो गए, लेकिन इन दोनों ट्रांसलेशनल वेक्टर का आपस में क्या रिलेशन है, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों ही ट्रांसलेशनल वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। दैट मीन्स जी वैक्टर डॉट टी वैक्टर, तो ये इक्वल होगा जी वैक्टर एन प्राइम बी वन वैक्टर प्लस एम प्राइम बी टू वैक्टर प्लस एल प्राइम बी थ्री वैक्टर डॉट एन ए वन वैक्टर प्लस एम ए टू वैक्टर प्लस एल ए थ्री वैक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट करें
तो ऑलरेडी हम वेक्टर्स के बीच के डॉट प्रोडक्ट को पढ़ चुके हैं और इसका जनरल रिलेशन हमें यह मिला था कि एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बी आई का डॉट प्रोडक्ट एक रियल लैटिस वेक्टर ए जे के साथ इक्वल होता है डेल आई जे के, ठीक है। और के स्पेस में अगर बात करें तो ये 2 पाई से मल्टीप्लाई भी होगा। तो एक रियल लैटिस वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रियल लैटिस वेक्टर से करने पर ये डेल आई जे, जहाँ डेल क्रॉनिकल डेल्टा है, टाइम्स 2 पाई होता है। तो बी वन का डॉट प्रोडक्ट ए वन से करें तो हमें 2 पाई टर्म बाहर मिलेगी, दैट इज एन प्राइम एन 2 पाई। लेकिन बी वन का डॉट प्रोडक्ट ए टू से करने पर 0 होगा, क्योंकि क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू 1 तभी होगी जब आई और जे इक्वल हो। तो B1 का डॉट प्रोडक्ट A2 से करने पर 0 और B1 का डॉट प्रोडक्ट A3 से करने पर भी 0। इसी तरह बाकी सभी कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट करें, तो इक्वल होगा M प्राइम M 2 पाई और L प्राइम L 2 पाई। इसे रीअरेंज कर दें तो N प्राइम N प्लस M प्राइम M प्लस L प्राइम L टाइम्स 2 पाई। N M L और n प्राइम m प्राइम और l प्राइम तीनों ही, ये सभी के सभी इंटीजर्स हैं, ये पूरी क्वांटिटी भी इंटीजर ही होगी। सो 2 पाई, ये हमें g वेक्टर डॉट t वेक्टर मिलता है। और अगर इस g वेक्टर डॉट t वेक्टर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे e टू द पावर आयोटा g वेक्टर डॉट t वेक्टर, तो ये इक्वल होगा e टू द पावर आयोटा इंटीजर 2 पाई के। और एक्सपोनेंशियल में आयोटा इंटीजर टाइम्स 2 पाई हो तो ये 1 के इक्वल आता है। तो यहां से क्लियर है कि किसी लैटिस का रियल स्पेस में ट्रांसलेशनल वेक्टर और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के बीच में जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन से दी जा सकती है। ये दोनों ही इक्वेशन रियल ट्रांसलेशनल वेक्टर और रेसिप्रोकल ट्रांसलेशनल वेक्टर को आपस में रिलेट करते हैं। इस तरह इस लेक्चर में हमने रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के बारे में डिटेल में जाना। इस लेक्चर का कंप्लीट नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए ब्रिविलेंट जोन को एक्सप्लेन करेंगे।